तो सर्किट हमने बना ली है और मल्टीमीटर को मैंने एज करंट नापने के लिए कनेक्ट कर लिया है। रेड वाला वायर मल्टीमीटर का 10A सॉकेट में कनेक्ट कर लिया है। अब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि करंट नापने के लिए मल्टीमीटर को सर्किट के सीरीज़ में जोड़ना है। सीरीज़ का मतलब होता है बीच में, यानी जैसे ये पॉजिटिव वायर आई है उसी तरीके से ये नेगेटिव वायर गई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेगेटिव वाली वायर निकालूँगा, मल्टीमीटर का ब्लैक वाला वायर इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करके मैं इसको बाहर हाथ में ही पकड़ लूँगा और मल्टीमीटर का रेड वाला वायर 37 नंबर पिन में लगा दूँगा। ठीक है, तो अभी करंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है ये आप देखिएगा कि बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है, मोटर के पॉजिटिव में जा रहा है और मोटर के निगेटिव से ये निकल के ये करंट जा रहा है मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर से होते हुए ये आ रहा है इस प्रोब में और यहाँ से निकल के निगेटिव को जा रहा है। यानी मल्टीमीटर को मैंने इस सर्किट के बीच में जोड़ दिया है ना, मल्टीमीटर को इस सर्किट के मैंने बीच में जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट को ऑन करूँगा तो यहाँ पर मेरा फ़ैन चलने लगा और मल्टीमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो आ रही 0.14। ठीक है, 0.15 आ रही है, तो इसका मतलब जो करंट ये मोटर ड्रॉ कर रहा है यानी खींच रहा है वो है 0.15 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो ये करंट नापने के लिए मल्टीमीटर को मैंने सीरीज़ में जोड़कर इस तरीके से करंट नापना है। अब हमने वोल्टेज नाप लिया है, करंट नाप लिया है, अब हमारा बचा है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस नापने के लिए एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि कभी भी अगर आपको रेजिस्टेंस नापना है तो जिस चीज़ का आप रेजिस्टेंस नाप रहे हो उसमें करंट का या विद्युत ऊर्जा का प्रवाह नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस नाप रहे हो वहाँ पर आपको विद्युत ऊर्जा का प्रवाह नहीं रखना है। तो जैसे मैं इस फ़ैन का रेजिस्टेंस अगर मैं पता करूँ तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर का रेड वाला तार वोल्टेज और ओम सॉकेट में लगाएंगे और इसको 200 ओम पर सेट कर देंगे, 200 ओम। ठीक है, ये यहाँ पर रेड वाला वायर सेट हो गया है वोल्टेज और ओम सॉकेट में और मल्टीमीटर को मैंने 200 ओम रेंज पे सेट कर दिया है। उसके बाद रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली नापना है, कोई सी भी वायर कहीं पर भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस नापने के लिए, बट ये ध्यान देना है कि इसमें करंट का प्रवाह नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं फ़ैन का रेजिस्टेंस मैं देख पा रहा हूँ तो फ़ैन का जो मेरा रेजिस्टेंस है इस फैन का जो रेजिस्टेंस है वो है मेरा 13.9। तो रेजिस्टेंस नापने के लिए डायरेक्टली मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये इस फैन का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस नापने के लिए मल्टीमीटर की दोनों वायर डायरेक्टली आप सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस।